हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पार्कल सोसाइटी पे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आपको नए नए अपडेट। सो फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाले हैं वो है टर्बो VPN। VPN का जो यूज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए। अब VPN ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये पहले मैंने टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ। VPN के बारे में मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने जितने भी सारे VPN अभी तक देखे हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट जो VPN मुझे लगा वो है टर्बो VPN। टर्बो VPN ये एक ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, इसमें कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। और ये ओपन करने के बाद में कुछ स्क्रीन इस तरह से दिखती है। तो एक खरगोश का इमेज है इसमें और नीचे के एक कैरेट है और सबसे ऊपर कॉर्नर में ग्लोब का साइन है, मैं उसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फ्री सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो फ्री सर्विस में मैं किसी भी कंट्री से कनेक्ट कर सकता हूँ। यानी मेरा खुद का जो आइडेंटिटी है वो ऑनलाइन जो दिखाएगा वो उस पर्टिकुलर कंट्री का दिखाएगा। जैसे अभी इस केस में मैं भी ले रहा हूँ कनाडा, मैंने कनाडा सिलेक्ट किया हुआ है, ये कनेक्ट हो रहा है। तो अभी कोई भी अगर मुझे ट्रैक कर रहा है या फिर जो भी मेरा डेटा है वो सारा डेटा जो है वो मुझे दिखेगा, वो मुझे लोकेट कर पाएंगे कि मैं कनाडा से कर रहा हूँ जबकि मैं इंडिया से इसे ब्राउज कर रहा हूँ। तो सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने पर्सनल जो डेटा है वो कई सारे लोग यहाँ से अपने यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट और ये सब। तो ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर ऊपर मुझे दिख रहा है कि मैं कनेक्टेड हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं कोई एप्लीकेशन। जैसे मान के चलिए मैंने स्पार्कल क्रिकेट नाम से जो एप्लीकेशन है ये मैंने ओपन कर लिया है। ये एड बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी इसके अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आती हैं। तो अब भी हम देख लेते हैं, शायद आज नेट काफ़ी स्लो है। तो ये आ गई है फर्स्ट एड। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये कनाडा की तरफ से ऐड है। तो यहाँ पर जो भी मेरा सर्वर है वो डिटेक्ट किया जा रहा है कि मैं कनाडा से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी साइट वगैरह ब्राउज़ करता हूँ, ये सबसे टॉप में भी एक जॉइंट रेवोल्यूशन करके जो आया हुआ है वो भी कनाडा की साइट है। यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, इसमें कोई और एक ऐड आनी चाहिए। ये देखिए ये फिर से वही ऐड है जो कनाडा की ही है। और एक ऐड देख लेते हैं। ये है, ये फिर से वही आ गई है ऐड। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो देखते हैं हम इसमें कहाँ से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से नेट भी काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, लेकिन ये कनेक्ट हो रहा है। ये मुझे आखिर में रिफ़्रेश ही करना पड़ा इसे। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो ये ऐड मैंने ओपन किया हुआ है और इस ऐड में मुझे सारी जो चीज़ें दिख रही है, ये एड्रेस है नीचे और ये एड्रेस भी मुझे कनाडा का बता रहा है। तो जो भी इसमें एडवर्टाइजमेंट या जो भी मटेरियल आएगा ये सभी का सभी कनाडा बेस्ड ही होगा। तो कोई भी आपका जो पर्सनल डेटा है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी आपका करंट VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये अभी कनाडा दिखा रहा है। इसी तरह से आप कंट्रीज चेंज कर सकते हैं आपकी। ये तो मैंने एक आपको एज एन एग्जांपल बता दिया है। अब मैं लेता हूँ कोई और एक ऐड देख लेते हैं, अगर ऐड चेंज हो जाती है तो।
आज नेट काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, शायद इसकी वजह से मेरा वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ऐड तो वही आ गई है फिर से, लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि कोई भी अगर ऐड इसमें आ जाती है तो अलग अलग ऐड्स जो रहेंगी वो अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू आएगी। तो इसे मैं करता हूँ एग्ज़िट। इसके थ्रू आप फेसबुक, व्हाट्सएप या आपकी कोई भी वेबसाइट अगर हो जो इंडिया में ब्लॉक की गई है तो आप अलग लोकेशन देके आप इसमें से ब्राउज़ कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार एक अर्न फ्री कैश जो ऐप है उसे ओपन कर देता हूँ। इसमें देख लेते हैं एक बार कोई अगर एड्स वगैरह आती है इसमें। तो ये मैंने टास्क वन ओपन किया है, ये देखिए ऐड काफ़ी सारी आ गई है इसमें, लेकिन हर एक ऐड जो इसमें आ रही है वो ऐड अलग अलग लोकेशंस में से है, लेकिन ये सारी की सारी कनाडा से रिलेटेड आ रही है। ये इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है जो यहाँ पर ऐड कर रही है। तो इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो सर्विस जो दे रही है कंपनी, ये VPN हमें कनाडा का ही मिला हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो एड्स हैं अलग अलग, ये दोनों भी ऊपर और नीचे बैनर एड जो है वो भी हमें लोकेशन बाहर का बता रही है। तो आप इस VPN को अगर आपको बंद करना है, अभी फ़िलहाल मुझे बंद करना है, तो VPN को मैं ओपन कर लेता हूँ और VPN को मुझे यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस को क्लिक करना है, डिस्कनेक्ट क्लिक करना है। तो मेरा VPN डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मैं फिर से अपने लोकल सर्वर यानी जो भी मेरा जेन्युइन सर्वर है, अभी करेंटली जैसे मेरा सर्वर है नागपुर, तो मेरा नागपुर सर्वर से ये कनेक्टेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप किसी फ्रेंड का मोबाइल फ़ोन अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और टर्बो VPN यूज़ करने के लिए उनको प्रमोट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।